देखेंगे हमारी अगली खबर। खबर है सीकर से, जहां पर राजस्थान भाजपा सरकार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय मदन लाल की पुण्यतिथि पर युवा मोर्चा के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। भाजपा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि पर भाजपा युवा मोर्चा व सीकर भाजपा परिवार द्वारा स्वर्गीय मदन लाल सैनी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत वृक्षारोपण किया गया और पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा कोरोना काल समय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानीय मदन लाल द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनकी पुण्यात्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मदन जी भाई साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके जीवन में सादगी के साथ साथ एक बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व वो थे। हमारे सीकर के लाडले पूर्व विधायक, पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन लाल जी सैनी भाई साहब को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करने के लिए सब लोग एकत्रित हैं। मदन लाल जी भाई साहब एक जीती जागती पुस्तक थे जिनका अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समृद्ध कर सकता था। वो सादा जीवन, उच्च विचार का एक जीता जागता उदाहरण थे। बिल्कुल निष्कलंक और बेदाग उनकी पूरी जीवन यात्रा थी। हम लोगों ने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है। इमरजेंसी में उन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। वे लोकतंत्र प्रहरी थे। अनुशासन और सादगी, मितवयिता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले नेता थे। सामान्य कार्यकर्ता की तरह उनका आचरण था। पार्टी ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया। हम सब लोग उनकी पुण्यतिथि पर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करते हैं। हम लोग कुछ लेश मात्र भी उनसे सीख पाए तो ये हम सब का सौभाग्य होगा। मैं पुनः पुनः उन्हें नमन करती हूँ। आज का दिन है, हम कार्यकर्ताओं के लिए स्मरणीय और प्रेरणा का दिन है और आज हम लोग यहाँ सम्मानीय हमारी प्रेरणा की पुंज और गुरु स्वरूप मदन लाल जी सैनी जी की सफर यहाँ हम सब लोग समाधि पर उनका सभी लोगों ने श्रद्धांजलि है। और ये कार्यक्रम में हमारे सांसद, जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी रणवा से तमाम प्रतिनिधि पहुँचे थे और मैं श्रद्धांजलि के पुण्य अवसर पर कहना चाहता हूँ कि ऐसा महान व्यक्तित्व का धनी इस प्रकार से पढ़ने का पुण्य जिन्होंने पूरे राजस्थान के इन पुति पूरे देश में कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा दी है। सादगी और सरलता के प्रतीक और अनुशासन में रहने वाले, पूर्ण समर्पण भाव से पार्टी के लिए जीवन जीने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व है जिनके बारे में कहना एक सूरज को दिया दिखाने के समान है। मैं आज पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ।